नमस्कार, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। गांव में विद्युत व्यवस्था खराब होने से ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कागज बोर्ड परीक्षाएं आने के बावजूद भी शिक्षण कार्य में हो रही है बाधा। शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रहा है समाधान। गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, जिसके चलते लोगों को रोशनी मिल रही थी। 1 ट्रांसफार्मर विभाग ने उठवा कर आज दिन तक गांव में नहीं रखवाया। उसके बावजूद 8 माह से अन्य रखे 2 ट्रांसफार्मर भी भूख जाने के बाद गांव में अंधेरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते बच्चों का शिक्षण कार्य भी नहीं हो पा रहा है। आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की है। विकास खंड घिरोर के ग्राम पंचायत पचावर के गांव नगला अंतिम में 3 ट्रांसफार्मर 25 केवीए के रखे हुए थे, लेकिन विभाग ने लगभग 1 वर्ष पहले 1 ट्रांसफार्मर को तो उठवा लिया, लेकिन आज दिन तक नहीं रखवाया गया। उसके पश्चात मार्च माह में अन्य 2 भी ट्रांसफार्मर भी फूक गए। 8 माह से ग्रामीण अंधकार में रहने को मजबूर हैं। बुधवार को आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने एकत्रित होकर के जिलाधिकारी से ट्रांसफार्मर रखवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली, लाइट की वजह से कोई भी तैयारी नहीं हो पा रही है। मोबाइल चार्ज भी पड़ोसी गांव या 1-2 जगह लगी सूर्य ऊर्जाओं से किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पंचम सिंह, राजेंद्र सिंह, नीतेश कुमार, नरेंद्र कुमार, धीरज देवी, नीरेंद्र चंद, दिनेश चंद, दलवीर सिंह, मनवीर सिंह, अनीता कुमारी, मनोज कुमार यादव, ग्रंथ सिंह, मास्टर सिंह, अनिल कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने क्या बताया, आइए आप लोग सुनिए खबर के जरिए। आपका राजेश कुमार, कहाँ रहते हो? नलानकी। आप लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है साहब, हमारे गाँव में लाइट होने से पहले खम्भे गाड़ दिए गए थे। 1.5 वर्ष के बाद हम लोगों से कनेक्शन, वो आधार कार्ड ले लिए गए, हम कनेक्शन दे दिए गए। उसके 1.5 साल बाद गांव में लाइट तार लगाए गए। लगाने के बाद लाइन सप्लाई की गई, 1 साल लाइन चली। 1 साल चलने के बाद 1.5 साल आज फिर होने जा रही है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है आपका? संजेश कुमार, सन ऑफ पंचम सिंह। पंचम सिंह के नाम से हमारा बिल ये कनेक्शन है साहब, और 1.5 साल से हमारे गाँव में लाइट नहीं आ रही है। जब मीटर और पोल आने के साथ ही साथ हमारे यहाँ सब लोगों के यहाँ मीटर लगा दिए गए हैं। हमारे गांव के जवान बच्चे सभी नौकरी की तलाश में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लैंप जला करके पढ़ते हैं। कितना समय हो गया है? 1.5 साल से लाइट नहीं आ रही है। कितने ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं? कितनी आबादी है आपके गांव? 1700 की आबादी हमारे गांव की, और हमारे यहाँ 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, लेकिन दोनों ही पे पड़े हैं। कितने लोगों के कनेक्शन अभी तक बिल भरे जा रहे हैं? 10 लोगों के बिल भरे जा रहे हैं। हमारा वजह यह है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने योग्य बच्चे हैं, उनकी दशा बहुत बर्बाद है। ये मान के चलो कि मैं कुछ उम्मीद बनाए रखे हैं, वो उम्मीदें हमारी सब खत्म होती जा रही हैं, और बिजली नहीं आ रही है 1.5 वर्ष से। बच्चे बहुत परेशान हैं, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, लेकिन वो मोमबत्तियाँ ले लेकर के बेचारे पढ़ते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो आप लोग क्या प्रशासन से इच्छाएं की है? मैंने ये इच्छाएं की है कि हम लोगों का जिनका बिल भरा है वो तो ठीक ही है, नहीं भी भरा है उन लोगों से भी कहा तो वो लोग यही कहते हैं कि जब बिजली आएगी तो हम किसी न किसी तरीका से बिल भरेंगे, जब बिजली नहीं आएगी तो मैं बिल क्यों भरें। गाँव में विद्युत व्यवस्था ठीक रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है विद्युत नहीं चल रही है। ट्रांसफार्मर भी फूके पड़े हैं, ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षा चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इससे बच्चों को काफ़ी रोष व्याप्त है। उच्च अधिकारियों को सूचना भी दी गई है, विभाग के लोगों को कहा भी गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोगों के जो बिल भी भरे जा रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि गाँव में कैंप लगाए जाएँ, तरीके से बिल को लिया जाए। बिजली पहले संचालित कर नहीं की गई थी, उससे पहले हमारे यहाँ मीटर लगा दिए गए, काफ़ी बिल लोगों पे आ रहा है। कैंप लगा करके गांव के बिल लोग भरने को तैयार भी है, लेकिन विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए। कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं? 2 ट्रांसफार्मर लगे, ट्रांसफार्मर की क्षमता बहुत कम है, ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि गाँव की आबादी लगभग 1700 से ज़्यादा है।
कब से दोनों ट्रांसफार्म फूके हैं? स्पेशली मार्च से दोनों ट्रांसफार्म फूके हुए पड़े हैं। बीच में एक दो बार ट्रांसफार्म रखे भी गए हैं, केवल दो चार दिन के लिए विद्युत चालू हुई, उसके बाद फिर सप्लाई बंद कर दी। प्रिय दर्शकों, अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।